अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो रेसिपी है वो मेन रेसिपी है राजमा का, साथ में क्योंकि मैं जीरा राइस सर्व कर रही हूँ तो जीरा राइस का भी रेसिपी मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। तो कुल मिला के हो गया दो दो रेसिपी, एक के साथ एक बोनस रेसिपी। तो फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब कर ले जो लोग मेरे चैनल में अभी अभी आए हैं, और ये वाला रेसिपी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स ये शानदार सा जो वेजिटेरियन रेसिपी है ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ज़ीरा राइस और राजमा का कॉम्बिनेशन ना एकदम बेस्ट है, बेस्ट मील फॉर वेजिटेरियन। और जो लोग नॉनवेज होते हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज दोपहर को जब मैं बना ही रही हूँ तो मैं कैसे इसको बनाती हूँ वो वाला तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, 20 साल पहले की बात है, जैसे कि मैं ये राजमा, काबुली चना, ये सब के बारे में नहीं जानती थी, मतलब पहचानती तक नहीं थी। जब शादी होकर झारखंड गई तभी ये सब के बारे में जाना, फिर इसको पकाना भी सीख लिया। अभी तो ये सब हमारा फेवरेट है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप राजमा, जो कि रात भर भिंगो के छोड़ दिया था। और भिंगोने से पहले का इसका सूरत देखिए, भिंगाने से क्या होता है, ये रात भर भिंगाने से एकदम डबल हो जाता है। पहले एकदम थोड़ा छोटा छोटा था, अभी डबल हो चुका है। तो अगर आपको राजमा पकाना है तो ऐसा जो थोड़ा सा लाइट कलर का आता है वही लीजिए, एक रेड रेड कलर का आता है वो कश्मीरी राजमा होता है, उसको नहीं लीजिएगा क्योंकि वो पकने में टाइम लगता है। उसके बाद अच्छे से धो के एकदम साफ पानी निकल जाए, वैसे करके धोने के बाद इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और 1.5 कप पानी मिला के इसको फ्लेम पर बिठा के हाई फ्लेम में इसको एक सीटी देना है, और उसके बाद लो मीडियम हीट पे इसको और 2 सीटी लगाना है, उसके फिर इसका प्रेशर नेचुरली रिलीज होने देना। तो राजमा को उसी प्रोसेस में छोड़ के यहाँ पे मैं जीरा राइस की तैयारी कर रही हूँ। गैस ऑन करके बड़ा वाला कढ़ाई दे दिया, 1 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल ऐड कर दिया। यहाँ पे दे रही हूँ 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची और 1 चक्रफूल, 1 साबुत कश्मीरी लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची। देने के बाद यहाँ पे दे रही हूँ 1.5 टीस्पून जैसा जीरा, साबुत जीरा। देने के बाद इसको बस खुशबू आने तक भूनना है, जीरा को जो है ना जलाना नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैं बासमती राइस धो के रखा था 3 गिलास, उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनना है, बहुत ज़्यादा देरी भी नहीं चाहिए क्योंकि कलर चेंज तो नहीं करना है। और इसी गिलास से मैंने लिया है तो 1 गिलास के लिए 2 गिलास करके पानी, तो 3 गिलास के लिए यहाँ पे 6 गिलास पानी ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद स्वाद अनुसार नमक, और चावल खिले खिले बने उसके लिए यहाँ पे 1/2 लेमन का जूस दे रही हूँ। और मेरा एक टिप यहाँ पे मैं शेयर करूँगी, मैं पुलाव में भी यही करती हूँ, 1/2 टीस्पून शुगर मिला रही। तो शुगर मिलाने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और नमक ज़्यादा होगा तो उसको भी बैलेंस करेगा। तो बस उस दौरान ये पक भी गया है, लास्टली मैंने यहाँ घी ऐड करके इसको ढक्कन लगा के इसको साइड कर रही हूँ। मतलब जब तक राजमा बॉयल होके प्रेशर रिलीज हो जाता है तब तक ज़ीरा राइस पक भी जाता है। बस यहाँ पे नेचुरली ये भी रिलीज़ हो गया, तो आप देखते हैं कितना बॉयल हुआ है, मतलब पूरी तरह से हमें गलाना नहीं है, इसीलिए 3 सीटी लगाना है। बस इतना ही हमें कुक करना था, इससे ज़्यादा नहीं करना था। इसको साइड करके अभी फिर से गैस ऑन कर रही हूँ। गैस ऑन करने के बाद कढ़ाई दे रही हूँ गैस पे, गरम हो जाए तो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल 1 टेबल स्पून जैसा, साथ में 1 तेज़पत्ता, 1 काली इलायची और 1/2 टीस्पून जैसा साबुत जीरा। थोड़ी देर भून लिया, भूनने के बाद यहाँ पे 2 मीडियम साइज प्याज का पेस्ट बना के ऐड कर दिया और इसको भी अच्छे से थोड़ी देर भूना। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। देने के बाद इसका कच्चापन जाने तक भूनना है,
भूनने के बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 3 मीडियम साइज टोमेटो का प्यूरे। इसको मिक्सी में मैंने प्यूरे बना लिया था, बस इसको ऐड करके थोड़ी देर इसको भी भून लेंगे। और अभी ऐड करेंगे मसाला, 1/2 टीस्पून करके हल्दी पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये सारा चीज़ 1/2 टीस्पून करके डाला। 1 टीस्पून मैंने डाला धनिया पाउडर। उसके बाद इसको थोड़ी देर अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ भुने हुए प्याज का पेस्ट। एक बड़ा सा प्याज को भून के रखा था, जैसे बेरिस्ता बना के रखते हैं, उसको पानी के साथ पेस्ट बना के यहाँ पे ऐड कर दिया। करने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी इसमें मिक्स कर दिया, क्योंकि मसालों को अच्छे से और भूनना है, और जब तक यहाँ से तेल रिलीज ना हो जाए तब तक अच्छे से भून लेना है। इस दौरान यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे ऐड कर दूँगी बॉयल किया हुआ वही किडनी बीन यानी कि राजमा। देने के बाद मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद इसको मैं क्या करूँगी, ढक्कन लगा के 20 मिनट तक पकाऊँगी। उस दौरान जो राजमा का जो थोड़ा बहुत टाइट था वो सॉफ्ट हो जाएगा, मसालों के साथ भी ये पक जाएगा, तो ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और तैयार होने का साइन ये भी है, ऊपर से देखिए तेल फ्लोट हो रहा है, मतलब ये पूरी तरीके से रेडी है। तो लास्टली यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और भुनी हुई कसूरी मेथी। ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके ढक्कन लगा देंगे और तब तक रखें जब तक सर्व ना करें, बस उसके बाद फ्लेम कर देंगे बंद। और ये शानदार सा राजमा तैयार है। तो सर्विंग की बारी, जीरा राइस के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, ये इतना मज़ेदार डिश है, मतलब आपको, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेज को छोड़ के भी आप इसको खाना पसंद करेंगे, इतना टेस्टी और इतना यमी बनते हैं। तो ये शानदार सा डिश अभी तक आप अगर टेस्ट नहीं किए तो ज़रूर एक बार इसको कीजिएगा। और मुझे पता है हम लोगों का जो देश में ज़्यादातर लोग इसको खा चुके होंगे, और सबका बनाने का अलग अलग तरीका भी है। और जैसे कि मैं सुनती हूँ पंजाब के लोग ज़्यादा इसको खाते हैं, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, खाने का कोई जियोग्राफी है? कौन सा देश का खाना कहाँ पे जाके धूम मचा रहा है? और यहाँ तो फिर भी पंजाब और आसाम है, तो हम आसाम में हैं, लेकिन हमारा भी ये फेवरेट हो चुका है। मतलब जब बनता है, जैसे कि मेरे घर में अगर बिरयानी बनता है, सुबह बिरयानी, शाम को बिरयानी, उसके बाद वाला दिन भी बिरयानी, इसके साथ भी वही होता है मेरे साथ। मतलब जब बनाया, गर्मा गर्म इसको एंजॉय किया, फिर ठंडा होता है ना, और ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने में, रात में, सुबह नाश्ते में, मतलब चलता रहता है जब तक। इसीलिए मैं जब भी इसको बनाती हूँ ना, थोड़ा ज़्यादा करके ही बनाती हूँ, और दिन भर क्या खाती ही रहती हूँ, क्योंकि खाने का शौकीन तो है, इसीलिए खाना बनाते हैं हम। क्या है, शेफ तो नहीं है, लेकिन शेफ लोगों का जो खाना है देख के, सीख सीख के, फिर हम भी अभी खाना सीख गए हैं थोड़े बहुत। और जो भी हमने सीखा है वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, हमारी तरह कोई और भी इससे फ़ायदा उठाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए।